ये कोई साफ फरमाइश कर रहे थे कुछ हजरत अमीर खुसरो की, तो उनकी एक दो बंदिशें सुनाता हूं मैं आपको। और वो बंदिशें तारीखी हैं, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं आपको मैं। ये 700 साल हो गए हजरत अमीर खुसरो को। तो एक दिन ऐसा आया कि उनके पीर, उनके धर्मगुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने अमीर खुसरो से कहा कि भाई वो फलाने गांव में चले जाओ और एक हमारा काम करके आ जाओ। तो वो चेले थे, उनके मुरीद थे, बोले अच्छी बात है, वो जो जो काम करना था चले गए। मगर वो जब जिस गांव में पहुंचे जो उनके धर्मगुरु ने, पीर ने कहा था, तो वहां उन्होंने एक अलग रंग देखा कि कुछ 150 आदमी भी हैं, लड़के लड़कियां भी हैं, और वो होली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, और कुछ गाने फोक गाने भी गा रहे हैं और मस्ती में हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगा, अमीर खुसरो को बहुत अच्छा लगा, और वो वहाँ खड़े हो गए और देखते रहे। वो देखते देखते में इतनी वो अपने पीर का, अपने धर्मगुरु का काम ही भूल गए। वो इतने मगन हो गए, इतने खो गए कि वो देखते रहे और सुनते रहे। और काफ़ी देर के जब बहुत लेट हो गए तो वापस आए, और वो काम नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही वापस आ गए। तो गुरु ने, पीर साहब ने कहा कि अरे भाई खुसरो, तुम्हें जो काम दिया था वो, अरे मैं माफ़ी चाहता हूँ सरकार हुजूर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तो भूल गया कि हमारा हुक्म हमने कहा और तुम भूल गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हुजूर मैं तो भूल गया। कैसे भूल गए? मैं ऐसे भूल गया कि मैं जिस जगह पे आपने भेजा था वहाँ कुछ 100-150 आदमी, लड़की, औरतें, लड़के, एक अजीब मैंने एक समा देखा कि वो गा भी रहे हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें गा रहे हैं, और होली खेल रहे हैं, रंग मल रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोले क्या चाहते हो तुम? तो अमीर खुसरो ने कहा कि पीर साहब, हुजूर हम क्यों ना करें ऐसा, हम भी ऐसा, आज मैं मालूम करके आया हूं कि आज होली का दिन है। तो पीर ने कहा कि भी शौक से लोगों को जमा करो, आसपास के जितने लोग हैं उनको सबको जमा करो, होली खेलो। तो वो 700 साल हैं, 700 साल से अब तक बाकायदा हम खानदानी लोग, इसके लिए मैं बंबई से जाता हूँ उस दिन के लिए, और दिल्ली से, हैदराबाद से, ग्वालियर से, सब जगह से लोग आते हैं। वैसे तो दिल्ली में बहुत हमारा बड़ा ख़ानदान है, वो सब ये कलर के, जो ये वृंदा जी ने गेरवा कलर का, जो ये गेरवा कलर के कपड़े पहनते हैं और पगड़ियाँ बांधते हैं, और होली खेली जाती है। 700 साल से आज तक, और उसमें फिर सब शामिल होने लगे, ये नहीं कि सिर्फ वो जो दरगाह के जो मुजाविर हैं, पुजारी हैं, नहीं, सैकड़ों लोग आने लगे। आपको कभी अगर वो नसीब में आपके हो तो वो मंजर देखिए जाके, आधे से ज़्यादा तो हिंदू हैं उसमें शरीक, और वो ये गाने गाए जाते हैं, वो दो गाने मैं पेश कर रहा हूँ आपको। गोरे सो में सेज पर
और मुख पर डायरों के चल खुसरो घर अपने सो सांझ भई चाहो दे भूल रहे सरसों सकल बने भूल रहे सरसों सकल बने भूल रहे सरसों सकल बने भूल रहे सकल बने भूल रहे सरसों सकल बने भूल रहे सरसों सकल बने भूल रहे सरसों सकल बने अम्बुआ बोरे ते सो भूल अम्बुआ बोरे ते सो भूल कोयल बोले डार डार कोयल बोले डार डार और गोरे करत सिंगार मालनिया गढ़वाली आई कर सो सगल मन भूल रहे सो सगल मन भूल रहे सगल भूल रहे भूल रहे हाँ भूल रहे सगल बनले भूल रहे सरसों सगल बन भूल रही रही सर भूल रही सगल बन भूल रही सरसों सगल बन आशिक मंगवा
बीत गए सगल मन सगल 700 साल पुरानी जी 700 साल ये सीना बसीना चली आ रही है किताबों में नहीं एक से सीने दूसरा सीना बसीना बोले रही दादा रोबो बोले रही दादा रोबो सगल मन बो बोले रही दादा रोबो तरह तरह के फूल मगाए फूल खिले बगियन में और की होशियार है फूल खिले बगियन फूल खिले बगियन फूल खिले बगियन फूल फूल चंपा चमेली चमेली बुला चंपा चमेली बुला चंपा चमेली बुला बोल रहे डार डार बोल रहे डार डार खुसरो बिगो कुए यार खुसरो बिगो कुए यार भूल गए बगियन भूल गए बगियन में आमद फसले बहार भूल गए बगियन में आमद फसले बहार फसले बहार फसले बहार 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 Oh, nigga, oh, nigga, oh, nigga.